नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स। बहुत से लोग स्कॉलरशिप का वेट कर रहे होंगे, काफ़ी टाइम से स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी तक जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो टाइम लग रहा है, एक्चुअली इस पोर्टल में बहुत सारा अपडेट होने वाला है। और आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में जिस तरह से पहले डिटेल सबमिट की जाती थी, उन डिटेल्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। ये सारे अपडेट और ये सारे चेंजेस आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, वरना हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाए। क्योंकि इस पोर्टल पे जैसे पहले आवेदन होता था, उस तरह से आवेदन नहीं होने वाला है। बहुत सारी चेंजेस हुई, इस हिसाब से आपके अपने डॉक्यूमेंट को भी चेंज कराने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कुछ गुड न्यूज भी है, क्योंकि स्कॉलरशिप राशि को भी बढ़ाई गई है। ये स्कॉलरशिप राशि किसके लिए बढ़ाई गई है वो भी हम आपको बताएंगे, और स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल पे नए हैं, जो लोग नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं सीधे वीडियो में, आपको बताता हूँ कैसा क्या करना, क्या अपडेट्स आई हैं, A to Z सारी चीज़ें। तो जो जो पहली अपडेट है, वो पहली अपडेट निकल के आई है डिजी लॉकर की तरफ से। इस बार जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे स्कॉलरशिप के, यूपी स्कॉलरशिप के, उसमें आपकी सारी की सारी डिटेल जो है वो डिजी लॉकर के थ्रू आपके आधार से ऑटोमेटिकली फेच होंगे। यानी कि वो डिटेल आधार कार्ड में जो आपकी डिटेल होंगी, वही डिटेल आपकी इस स्कॉलरशिप फॉर्म में ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो जो लोग डिजी लॉकर के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और जो लोग डिजी लॉकर के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो है डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर गूगल पर आप सर्च कीजिएगा डिजी लॉकर डाल के, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर पे आपको जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। OTP के थ्रू आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, आप डिजी लॉकर आपका यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। डिजी लॉकर के थ्रू आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म वो भरा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है वो एज के रिगार्डिंग। इस बार जो है मैक्सिमम एज रहने वाली है 40। जी हाँ दोस्तों, 40 से ज़्यादा जो भी कैंडिडेट हैं जिनकी एज है, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले बहुत सारा फ्रॉड होता था, लोग 60-60 साल तक के लोग फॉर्म भर फिल कर देते थे, कुछ यूनिवर्सिटीज कराते थे, कुछ कॉलेज करवाते थे, जिससे कि फ्रॉड चलता था और जो फालतू का पैसा गवर्नमेंट को लोगों को दे दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो अब बात आती है आखिर यहाँ पे आपका रोल क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू आपकी डिटेल जो ली जाएंगी, तो आपका ये नंबर एक काम ये बनेगा कि आपको जो है अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, आपके पिताजी का नाम और आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके जन्म प्रमाण पत्र में है या आपके आधार कार्ड में है, जो आपके और भी किसी ID में है, बैंक पासबुक में आपका सेम नेम होना चाहिए, सेम पिताजी का नाम होना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करते हैं, इंटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो हाई स्कूल में आपकी जो भी डिटेल्स हैं, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही सारी की सारी डिटेल्स आपकी आय प्रमाण पत्र में भी होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र में भी होनी चाहिए और आधार कार्ड में भी सेम डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप ये डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं, मैच नहीं कर रही, तो उनको आप पहले अपडेट करा लीजिएगा, तभी आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा, वरना आपका ये फॉर्म स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो ये आपको अवश्य करा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो तीसरी अपडेट निकल के आती है वो एक गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग 9th-10th में हैं उनके लिए गुड न्यूज है, उनकी स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई जाएगी। तो जो भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के जो 9th-10th के जो ऐसे स्टूडेंट जो SC में हैं, ST में हैं, उनकी जो है 500 रुपये स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई गई है। जी हाँ दोस्तों, जिनको पहले 3,000 रुपये मिलते थे, अब उनको 3,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही गुड न्यूज एक और निकल के आई, वो ये है कि अभी तक जो लोग एक कोर्स करते थे, उसके साथ जो दूसरा भी कोर्स करते, यानी जो लोग एक साल में दो दो कोर्स किया करते थे, उनको सिर्फ किसी एक कोर्स के तहत ही स्कॉलरशिप दी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको दोनों कोर्स में ही स्कॉलरशिप
मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों ही कोर्स के तहत स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये आवेदन आपको किस तरह से करना है उसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। कोर्स ये किस तरह के होने चाहिए, नंबर 1 एक स्किल कोर्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आप आईटीआई करते हैं या कोई भी स्किल कोर्स करते हैं, आईटीआई या कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, एक तो आपका वो कोर्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, जैसे कि BA MA इस तरह का कोर्स। तो एक टेक्निकल कोर्स या स्किल कोर्स होना चाहिए, दूसरा आपका होना चाहिए रेगुलर कोर्स। इस तरह के कोर्स के तहत ही आप एक साथ 2 फॉर्म भर पाएंगे और दोनों फॉर्म के तहत आपको अलग अलग स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक ये नई अपडेट और निकल के आई है जो लोग एक साथ दो दो कोर्स करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अब जो मेन बात निकल के आती है, आखिर स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट कब होगा? अपडेट तो सारी आ गई, सब कुछ हो गया, स्टार्ट कब होगा, हम इसमें आवेदन कब कर पाएंगे, तो इसकी भी अपडेट आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 सितंबर 2023 से, जी हाँ दोस्तों 15 सितंबर 2023 से ये स्कॉलरशिप फॉर्म एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, लोग आवेदन करना शुरू कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल अपडेट आई है, तो 15 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे और जो लोग आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 9th से 10th के लिए, यानी कि प्री मैट्रिक के लिए लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है 10 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, 10 नवंबर तक, 15 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक 9th और 10th के स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। फिर बात करते हैं, आखिर प्री मैट्रिक के बाद पोस्ट मैट्रिक वाले कब अप्लाई करेंगे, तो उसकी डेट अभी कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है। जब प्री मैट्रिक स्टार्ट हो जाएगी उसके कुछ ही टाइम बाद, 10 से 15 दिनों के बाद ही प्री मैट्रिक के बाद पोस्ट मैट्रिक की आवेदन भी संभवतः जो है स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि पहले से होता आया है, तो इस बार भी ऐसा ही देखने को हमें मिलेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आज बता दी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।